Makeover Family Saloon, hair service for girls and boys. Bleach, hair, do styling, makeup, wax for body and face, facial, cleanup. Pata, Civil Line Chauraha, Union. सागर जिले के राहतगढ़ में एक ऐसी प्राचीन गणेश प्रतिमा है जो अपने आप में ही अनूठी है। जानकार इस प्रतिमा को सैकड़ों साल पुरानी बताते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि आल्हा उदल ने भी इनकी पूजा की है और उनके पद चिन्ह आज भी यहाँ पर हैं। इन्हें वाटरफॉल वाले गणेश जी भी कहा जाता है। ये राहतगढ़ के पाटन में स्थापित होते हैं। पाटन गाँव में पहले जहाँ पर हीरा जवाहरात और बाजार लगा करते थे, राहतगढ़ नगरी की बसाहट नहीं हुई थी, यहीं पर लोगों का निवास हुआ करता था। यहाँ पर गणेश भगवान सामने भगवान शंकर विराजमान है। गणेश भगवान की बाएं तरफ मुखदर भी रखा हुआ है। आसपास कई प्रकार की पत्थर में आकृतियां उकेरी गई हैं। पहले सिर्फ मूर्ति थी, बाद में नगर के समाज सेवी वैजनाथ प्रसाद वर्मा मुंशी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, पूजा अर्चना कर भंडारे कर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। सागर टीवी न्यूज के संवाददाता धर्मेंद्र राजपूत ने मौके पर जाकर यहां के लोगों से बात की और जानकारी जुटाई। हमारे पिताजी बताते थे कि उन्होंने भी ऐसा ही देखी और 500 वर्ष के हुए इतनी पंजाब के। तो इतिहास कुछ वहाँ का है, क्या इतिहास है? कुछ इतिहास तो है कि उसे पंडों की लड़ाई भाई है। कौन पंडों की? बाटा फाट पे। अच्छा, जब इन्हें जब लड़ाई भाई, तो जब कौन पंडों की लड़ाई हुई तो कुछ वहाँ कुछ निशान है, पदचिन्ह है क्या वहाँ? पौन है, गुटी है, निशान है वहाँ पर जी। तो गणपति साहब तभी के हो सकते हैं। और कुछ है मंदिर के बारे में बताएं? मंदिर के बारे में तो किसी के डाली जा रहा। अच्छा, मुंशी जी है थी राजगढ़ में, उनने फिर वो मंदिर बनवा के उनको वो भी कम से कम 60-70 साल हमारे। जब कौन सा स्थान कहलाता था वो क्षेत्र को क्या बोलते थे जहाँ मंदिर बना है? वो भी वो पाटन में लगता है। पाटन गांव था पहले। क्या था पाटन गांव की विशेषता क्या थी? पाटन गांव में बाजार भी भर गए, सुनाते से आने अपन ने तो नहीं देखी, वो मोती जवाहर भी उठे बिक गए। तो जी किस दिशा में इनका मुख है गणेश जी का? और कहीं गणपति आपने देखे हैं? हमने वैसे नहीं देखे। भगवान गणपति उनका भी त्यौहार चल रहा है, और कोई भी त्यौहार हो, हिंदू धर्म में कोई त्यौहार हो, पहले भगवान गणपति की ही पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे गणपति शायद जिला प्रदेश अपितु कहीं नहीं होंगे। इतनी ऊंची ऊंचाई, करीब 8 फुट की यहाँ प्रतिमा है भगवान गणपति जी की, और इस मुद्रा में है, सामने शंकर जी की पूजा अर्चना कर रहे महसूस होते हैं। बाजू मुगदल रखा हुआ है उनका, और सिंदूर जो मात्र बजरंग बली को ही चढ़ाया जाता है, लेकिन इन गणपति जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। यहाँ लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन इन गणपति की कोई ये नहीं कह सका कि यह गणपति कितने पुराने हैं। यह गणपति भगवान बताते हैं कि पांडवकालीन समय के हो सकते हैं, लेकिन जो भी बुजुर्ग यहाँ पर मिले उन्होंने कहा कि यह पाटन क्षेत्र है, यहाँ पर पहले हीरे जवाहरात की बजाय लगते थे, तभी की यहाँ पर विराजमान है। पहले यहाँ पर जो प्रतिमा थी वो पहले थोड़ी तिरछे में रखी हुई थी, उसके बाद यहाँ पर एक मुंशी जी कहलाते थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया, तब से यहाँ पर इस रूप में भगवान गणपति विराजमान है। राहतगढ़ से सागर टीवी के लिए धर्मेंद्र सिंह राजपूत। Makeover Family Saloon, hair service for girls and boys. Bleach, hair, do styling, makeup, wax for body and face, facial, clean up. Pata, Civil Line Chauraha, Union.